हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने इस एमसीक्यू की सीरीज़ में दूसरा लेक्चर देखेंगे। कंपास से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 357। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अगर मैग्नेटिक बेयरिंग सन की अगर मैग्नेटिक बेयरिंग देखी जाए, सन की मैग्नेटिक बेयरिंग अगर हम लोग देखें, एट नून बोल रहा है ठीक 350 डिग्री, और पूछ रहा है आपसे कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितना होगा, डेक्लिनेशन की वैल्यू पूछ रहा है ठीक। कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो हमको पता होना चाहिए नून के समय में यानी दोपहर के समय में जो मैग्नेटिक बेयरिंग होनी चाहिए सन की आपकी 360 डिग्री होनी चाहिए ठीक। लेकिन अभी कितनी है 350। इसका मतलब क्या, अगर इसको फिगर बना के हम लोग समझें तो एक्चुअली में क्या है, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा वेस्ट की तरफ आ गया, सॉरी ईस्ट की तरफ आ गया ठीक। इसलिए आपको ये बेयरिंग कितनी मिल रही है, सन की बेयरिंग आपको मिल रही है, ये चीज़ मिल रही है आपको, सन यहाँ पे कहीं है ठीक। ये आपको मिल रही है 350 डिग्री ठीक। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यानी ये आपका जो डेक्लिनेशन है इसकी तरफ है, इसकी तरफ कितना 10 डिग्री, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 10 डिग्री ईस्ट ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है आपका मैचिंग करना है आपको। तो पहला है दैनिक विचरण ठीक, सामने है, फिर आपका एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन ठीक। तो दैनिक विचरण क्या होता है, जो आपके अर्थ के एक दिन में जो रोटेशन होती है अपनी एक्सिस के बाउंड, इसके कारण जो वेरिएशन आते हैं डेक्लिनेशन में, उसको कहते हैं दैनिक विचरण ठीक। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, वेरिएशन उस टाइम पीरियड इज 100 से 350 नहीं हो सकता, एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ डेक्लिनेशन पीरियोडिक इन कैरेक्टर कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑफ अर्थ ठीक। तो पहला आपका है पीरियडिक इन कैरेक्टर, विचरण का व्यवहार है। फिर एनुअल वेरिएशन अगर आप देखें तो एनुअल होता वार्षिक ठीक, वार्षिक यानी एक साल एक साल में कौन सा वेरिएशन होता है, एनुअल। तो इसका सामने देख सकते हैं आप एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकुलर वेरिएशन ठीक, तो ये इसके मिल जाएगा, यानी पहला वाला दूसरा वाला सही है आपका मैच ठीक। फिर सेकुलर वेरिएशन ऑफ डेक्लिनेशन इन पीरियोडिक इन कैरेक्टर, उत्पाद का विचरण व्यवहार में आवर्तिक होता है, तो आवर्तिक होता है ये सेकुलर तीन के कारण आवर्तिक होता है ठीक। तो यानी दो भी सही है आपका, तीन भी सही है, और क्या है इरेगुलर वेरिएशन कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म अनियमित, ये भी सही है आपका ठीक। तो चार भी नंबर भी सही होना चाहिए आपका इस हिसाब से, तो पहला तो गलत है आपका ठीक। एनुअल वेरिएशन एनुअल रेट ऑफ चेंज ठीक, यानी दो सही है ठीक। फिर आपके पास तो दीर्घकालीन विचरण लिखा हुआ, लेकिन इसमें सेकुलर वेरिएशन लिखा हुआ, तो दो नहीं सही होगा, तो तीन और चार ये सही है। तीन और चार के लिए ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ठीक। तीन और चार के लिए आपके पास ऑप्शन डी सही है। फिर अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें 359, तो 359 में मैचिंग करनी है। डेक्लिनेशन क्या होता है, डेक्लिनेशन डिफरेंस होता है, यानी एंगल होता है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में और ट्रू मेरिडियन के बीच में एंगल होता है। तो ये ऑप्शन में देखिए आप डेक्लिनेशन देखिए, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, तो एक का तो बी सही हो जाएगा ठीक। तो एक का बी यानी एक का टू, तो इसमें तो केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हमको और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक ही से सॉल्व करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं आगे। फिर डिप क्या होती है, डिप होता है आपका वर्टिकल एंगल, डिप आपका वर्टिकल एंगल होता है। वर्टिकल एंगल किसके किसके बीच में, अर्थ के सरफेस और नीडल के बीच में, तो डिप देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल द इंक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विद द हॉरिजॉन्टल, तो यानी बी, तो बी का वन और ए का टू, ये तो सही है ठीक। फिर बियरिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच में, तो सी का थ्री सही है ठीक। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन लाइन और सम रेफरेंस डायरेक्शन, तो बियरिंग हो जाएगी ठीक। तो बी सी का डी फोर मिलेगा, और एज्यूमिट क्या होती है, ट्रू मेरिडियन के बीच में एंगल होता है ठीक, यानी ट्रू बियरिंग को ही आप
स्क्रू बियरिंग को ही आप क्या बोल सकते हो, एजीमथ बोल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, इसको तो चार ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, केवल पहले वाले सही है सॉल्व। फिर क्या है, कॉमन एरर क्या होती है सर्कल में, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है द कॉमन एरर इन कंपास, तो कंपास में कॉमन एरर कौन सी होती है, तो कंपास में कॉमन एरर होती है लोकल एट्रैक्शन का। चलिए अब पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और वेरिएशन ऑफ द कंपास, ठीक। तो पहला तो सही है आपका, अगला क्या आपके पास, द इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड द इक्वल और गिवन टाइप इज कॉल्ड आइसोगोनिक लाइन, ठीक। तो आइसोगोनिक लाइन बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो आइसोगोनिक लाइन के बारे में बोल रहा है कि अगर इक्वल में डेक्लिनेशन के पॉइंट को अगर आप मिलाएं तो आपको जो लाइन मिलेगी वो आइसोगोनिक लाइन होगी, तो ये भी सही बोल रहा है, ठीक। बी भी सही है, ए भी सही। फिर सी बोल रहा है अगर जीरो डेक्लिनेशन वाली लाइन को मिलाएं तो उसको अगोनिक लाइन बोलते हैं, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। चलिए फिर एन इंस्ट्रूमेंट एरर इन कंपास सर्विस बिकॉज ऑफ, इंस्ट्रूमेंट में यानी कंपास के अंदर इंस्ट्रूमेंट एरर किसके कारण होता है, इंस्ट्रूमेंट के एरर पूछ रहा है, ठीक। तो बोल रहा है इनएक्यूरेट लेवलिंग, वेरिएशन इन डेक्लिनेशन, नो काउंटरवेट प्रोविजन ऑफ काउंटर टिप, लोकल एट्रैक्शन ड्यू टू वेयर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से देखें, ठीक। तो 362 में अगर आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट एरर पूछ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट एरर कैसे होगी, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगी, तो इनएक्यूरेट लेवलिंग है तो ह्यूमन के कारण है, आपने खुद ने लेवलिंग सही नहीं की इसकी, ठीक है, कंपास की। वेरिएशन डेक्लिनेशन ये तो नेचुरल एरर है, ठीक। फिर नो काउंटर वेट प्रोविजन लोकल एट्रैक्शन ये भी नेचुरल एरर है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मिलाना है आपको दैनिक विचरण, दैनिक विचरण क्या चीज़ होती है, डेक्लिनेशन ऑफ अ प्लेस वेरीज ईयरली, ठीक। तो ईयरली कौन सी वेरिएशन वेरी करती है, आपकी एनुअल वेरिएशन, ठीक। तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी का ही सही हो जाएगा। फिर क्या है, फिर बोल रहा है डेली वेरिएशन ऑफ द डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज डेक्लिनेशन, ठीक है। तो ये डेली वाला दैनिक विचरण, सेकुलर वेरिएशन और इरेगुलर, मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से एंड इज वेरिएशन इज अनप्रिडिक्टेबल, तो इसके कारण ये डी होता है, अनियमित वेरिएशन, ठीक है, यानी इरेगुलर। फिर सी के साथ क्या हो जाएगा, आपका थर्ड चला जाएगा, ठीक। तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही है, ए का है बी, तो ए का बी यानी ए का टू, तो ए का टू यानी सी में ही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलिए बाय यूजिंग द सर्वे कंपास वी कैन डिटरमाइन, तो सर्वेयर कंपास को यूज करने से आप कौन सी बेयरिंग निकाल सकते हैं, ये पूछा गया आपसे, ठीक। सर्वेयर कंपास यूज करने से आप कौन सी बेयरिंग को निकाल सकते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो सर्वेयर कंपास आपको कौन सी बेयरिंग देता है, तो पहले तो आपको सर्वेयर कंपास पता होना चाहिए कौन से सिस्टम में काम करता है, तो सर्वेयर कंपास आपका काम करता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में काम करता है, ठीक। तो आपको कौन सी बेयरिंग देगा, ये रिड्यूस बेयरिंग देगा या फिर क्वाड्रेंटल बेयरिंग देगा, ठीक है। तो होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन नहीं निकाल सकते, ये तो क्योंकि वो टू से निकालते हैं। डेक्लिनेशन ऑफ लाइन, डायरेक्ट एंगल तो कभी आपको मिलता ही नहीं है कंपास में, डेक्लिनेशन भी नहीं मिलेगा, होल सर्कल बेयरिंग आप प्रिज्मेटिक कंपास में निकालते हैं, ठीक। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 364 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द टेम्परेरी एडजस्टमेंट इज नॉट डन इन सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास में कौन सा टेम्परेरी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, सेंटरिंग आपको करनी पड़ेगी, सर्वेयर हो चाहे प्रिज्मेटिक हो, लेवलिंग दोनों करनी पड़ेगी, दोनों कंपास में फोकसिंग ऑफ प्रिज्म सर्वेयर कंपास में तो लगा नहीं रहता, प्रिज्म किस में लगा रहता, प्रिज्मेटिक कंपास में, जो चीज़ लगी नहीं हुई है तो उसका आप सेट टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म का एडजस्टमेंट किया जाता है, ना कि सर्वेयर कंपास में, तो उसका सही हो जाएगा सी। ये बोल रहा है कि इन अ होल सर्कल बियरिंग सिस्टम साउथ 16 डिग्री 30 मिनट वेस्ट विल बी द एक्सप्रेस एज, तो आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में सिस्टम में आपको दिया हुआ बियरिंग कितनी दी हुई है, एस 16 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो इसको मैं बना देता हूँ क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, इसको मैं बना देता हूँ क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, मैं इसको बना देता हूँ, तो 16 डिग्री साउथ से वेस्ट की तरफ, तो ये एंगल दिया हुआ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपको दिया हुआ है 16 डिग्री 30 मिनट, ठीक। आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है WCB में इसकी रीडिंग बता दीजिए, तो WCB में क्या होती है रीडिंग, यहाँ से मेजर की जाती है नॉर्थ से, तो ये रीडिंग बता दीजिए,
ठीक, तो इसमें क्या जोड़ दें, 180 डिग्री जोड़ दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, तो 180 जोड़ दीजिए, तो 196 डिग्री 30 मिनट, तो 196 डिग्री 30 मिनट, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 196 डिग्री 30 मिनट। और क्या आगे, तब मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ऑन फुल सर्किट मेंसुरेशन बेसिस इज 55 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, और पूछ रहा था मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट द ट्रू बियरिंग ऑफ, तो ये डेक्लिनेशन का क्वेश्चन, तो इसके लिए आप फिगर बनाइए सबसे पहले। तो आपको क्या दिया हुआ है, नॉर्थ है ये, इसको मैं मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ बना देता हूँ, ठीक है, ट्रू नॉर्थ बना देता हूँ। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, 55 डिग्री 30 मिनट, और डेक्लिनेशन किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट ये है, तो यानी मैग्नेटिक मेरिडियन इधर आ गया, ठीक। और ये एंगल कितना दिया हुआ है डेक्लिनेशन का, ये आपको दिया हुआ है 5 डिग्री 30 मिनट, ठीक, द ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग कहाँ से मेजर की जाती है, ट्रू बियरिंग यहाँ से मेजर की जाती है, ठीक। तो मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, और इसकी आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है, यानी चीज़ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री 30 मिनट, 55 डिग्री 30 मिनट, ठीक। तो ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन, तो आप क्या करोगे, जब डेक्लिनेशन ईस्टवर्ड है तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जोड़ दोगे डेक्लिनेशन, कितना जोड़ देंगे, 5 डिग्री 30 मिनट, ये कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए, 55 में 5 जोड़ा तो 60 हो गया, और 30 मिनट मिलकर 1 डिग्री हो गया, यानी 61 डिग्री, तो 61 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, 367 का ए, तो ये सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला पूछ रहा आपसे कि मैच करना है आपको, ठीक, तो अक्लिनिक लाइन दिया हुआ है, अगोनिक लाइन दिया हुआ है, ओके, फिर आपको आइसोक्लिनिक लाइन दिया हुआ है और आइसोगोनिक लाइन दिया हुआ है। तो अक्लिनिक लाइन क्या होती है, ठीक, अक्लिनिक लाइन मतलब शून्य ढाल, ठीक है, और अगोनिक लाइन मतलब जिसमें अगर आप जिन लाइनों जिन पॉइंट जो जीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट अगर इनको आप जोड़ें तो आपको अगोनिक लाइन मिलेगी, आइसोगोनिक अगर समान डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को आप जोड़ें तो आपको आइसोगोनिक लाइन मिलेगी, ठीक, और आइसोक्लिनिक एक समान ढाल वाले पॉइंट को जोड़ेंगे तो आपको आइसोक्लिनिक लाइन मिलेगी। तो पहले का देखते हैं, अक्लिनिक लाइन इक्वल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जीरो प्लेस जीरो डिप, ठीक, जॉइंट प्लेस एट अ इक्वल डिप, ठीक, जॉइंट प्लेस एट जीरो डेक्लिनेशन, ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, अक्लिनिक लाइन, तो जीरो डिप वाले पॉइंट को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी अक्लिनिक लाइन, तो प्लेस जॉब जीरो डिप, एक आर टू हो जाएगा। अगोनिक मतलब जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, तो जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बी का चार हो जाएगा। फिर आइसोक्लिनिक तो इक्वल मैग्नेटिक डिप, ठीक है, इक्वल मैग्नेटिक डिप सी का तो थ्री रहेगा, ठीक। आइसोगोनिक लाइन, तो आइसोगोनिक लाइन मतलब इक्वल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, तो ये हो जाएगा डी का वन, तो ए का है आपका टू, तो ए का टू है, ठीक। बी का आपके पास है फोर, बी का फोर है, फिर सी का आपके पास थ्री है और डी का वन है, तो इसके लिए कौन सा परफेक्ट है, इसके लिए परफेक्ट है आपका पहला वाला ए ऑप्शन, 368 का ए। चलिए आगे, द बियरिंग ऑफ ओ ए इज 32 डिग्री एंड द बियरिंग ऑफ ओ बी इज 112 डिग्री देन द इंटरनल एंगल, तो आपसे कुछ ये चीज़ पूछा, तो फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई रेखा है ओ ए, तो ओ ए और ओ बी, ये दो रेखा है, इसका बियरिंग आपको दिया हुआ है 32 डिग्री, और ओ बी का दिया हुआ है जो ओ ए है जो ये ओ का, इसका दिया हुआ आपको 112 डिग्री, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल एंगल बता दीजिए, तो माइनस कर देंगे 112 डिग्री में 32 डिग्री अगर माइनस कर दें तो हमको इंटरनल एंगल मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, कुछ ठीक सही हो जाएगा, ठीक। फिर क्या आपके पास, फिर पूछ रहा है कि एट अ इक्वेटर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डिप, तो ये चीज़ आपको बताई गई है कि जो मैग्नेटिक डिप होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा आपकी होती है पोल के ऊपर, सबसे ज़्यादा पोल के ऊपर,
और सबसे कम कहाँ पर होती है, इक्वेटर के ऊपर। ओके चलिए, तो और कितनी होती है पोल पर, 90 डिग्री होती है। इक्वेटर पर कितनी होती है, 0 होती है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक, तो इक्वेटर पे आपको पूछ रहा है मैग्नेटिक डिप, बता दीजिए तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर यानी इक्वेटर पर आपकी जो चुंबकीय रेखाएं हैं, ठीक, अर्थ की जो चुंबकीय फील्ड है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो उसकी जो लाइन होती है वो पैरेलल हो जाती है अर्थ सरफेस से। ठीक, फिर 371, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड ए सी आर इतना इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल सी ए बी। ठीक, तो आपको ए बी लाइन दी हुई है, मान लीजिए ए बी लाइन की बियरिंग आपको दी हुई है 18 डिग्री, तो आपको ए बी लाइन और ए सी लाइन की बियरिंग दी हुई है। तो मैं सबसे पहले ए बी लाइन बना लेता हूँ, तो मान लीजिए ये ए बी लाइन, ठीक, ए बी लाइन की आपको बियरिंग दी हुई है 18 डिग्री 15 मिनट। फिर आपको दिया हुआ है ए सी लाइन, तो ए सी ए और सी, ए सी लाइन की कितनी दी हुई है, 335 डिग्री, यहाँ से लेके कितना दिया हुआ है, 335 डिग्री 45 मिनट। तो अब आपको पूछा है इंटरनल एंगल बता दीजिए, इंटरनल एंगल मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, 335 डिग्री में से 45 मिनट में से आप क्या घटा देंगे, 18 डिग्री 15 मिनट घटा देंगे, तो 30 बचेगा लास्ट में, 30 मिनट। ठीक, और 335 में से 18 अगर आप घटाएंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18 गया 7, तो 360 डिग्री, लेकिन आपको ये आ गया 360 डिग्री 30 मिनट। अब ये क्या है, आपसे पूछा है एंगल, इंक्लूडेड एंगल पूछा है, ये क्या आया, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरनल एंगल कैसे निकालें, इसी को माइनस कर दीजिए 360 डिग्री में से। ठीक है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो 2.5 मिनट ये और 40 हो, यानी 2.5 डिग्री ये और 40 हो, यानी 42 डिग्री 30 मिनट। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 371 का। ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पहले एक्सटर्नल एंगल मिलेगा, फिर उसकी मदद से आप इंटरनल एंगल निकालोगे। ठीक, चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पूछ रहा है आपसे मैच करना रिफ्लेक्शन कर्वेचर प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन, अपवर्तन के कारण क्या होता है और कर्वेचर के कारण क्या होता है। कर्वेचर के कारण कोई भी चीज़, यानी जो आपके स्टाफ पर जो रीडिंग होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है कर्वेचर के कारण। ठीक, और रिफ्लेक्शन के कारण आपको रीडिंग कम मिलती है। ठीक, और प्रिज्मेटिक कंपास किस पे काम करता है, प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बेयरिंग पे काम करता है। और क्या है सर्वेयर कंपास, ये आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में काम करता है, इस चीज़ें पता है। ठीक, अब इसमें मिलान करना है, तो मिलान कर सकते हैं इजीली। पहला बोल रहा है रिफ्लेक्शन के सामने लिखा हुआ ऑब्जेक्ट अपीयर हाइयर, ऑब्जेक्ट हाइयर अपीयर करेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट अपीयर्स लोअर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लोअर अपीयर करेगा। तो ऑब्जेक्ट हाइयर किस में करता है, यानी रीडिंग आपको ज़्यादा किस में मिलती है, कर्वेचर वाले केस में, तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 ए का 2। ठीक, बी का 1 और ए का 2, बी का 1 ए का 2, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी। और सी का तो आपको पता ही है, सी का 3 होगा, क्यों, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेयर इसमें होल सर्कल बियरिंग पे काम करता है, तो इसके लिए परफेक्ट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, तो 372 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। फिर पूछ रहा था बियरिंग ऑफ अ लाइन टेकन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन टूवर्ड्स द एंड इज कॉल्ड एज, ये डिफिनेशन पूछा आपको, ये पूछ रहा है अगर कोई बियरिंग ली गई है लाइन की टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका फिगर मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोई देखा है, ये पॉइंट ये रहा इसका और ये बी पॉइंट। ठीक, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आप रीडिंग लें इसको साधते हुए एंड वाले पॉइंट को, तो ये कहलाती है फोर बियरिंग। और आप कोई रीडिंग लें लास्ट पॉइंट से साधे किसको, पहले वाले पॉइंट को, तो ये कहलाती है बैक बियरिंग। तो आपने डिफिनेशन ही पूछा है, द बियरिंग ऑफ लाइन टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन टूवर्ड्स द अदर एंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले पॉइंट पर आप कौन सी रीडिंग लेंगे, फोर बियरिंग होता है, तो फोर बियरिंग। ठीक चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है 374 नंबर, 374। अब इसको क्वेश्चन को न्यूमेरिकल है थोड़ा, तो पढ़ना पड़ेगा पहले।
सकते हैं क्या इसमें। तो क्वेश्चन देखते हैं, द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज नॉर्थ 60 degree 30 minute ईस्ट एंड दैट ऑफ बी सी इज इतना, द क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी देन द मेजर द इंटीरियर एंगल एट बी। ठीक है, तो इसका बना ही जाता है, तो ए बी लाइन है, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी लाइन, ए बी लाइन का आपको दिया हुआ नॉर्थ 60 degree ईस्ट, तो इसको अगर हम डब्ल्यू सी बी में चेंज करेंगे तो एंगल वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इसको मैं डब्ल्यू सी बी में डायरेक्ट चेंज करके लिख देता हूँ 60 degree 30 minute ईस्ट। ठीक, तो ये क्या है, ए है और ये बी। फिर बी सी लाइन का आपको दिया हुआ है, ठीक, बियरिंग 122 degree, ठीक, 122 degree। फिर बोल रहा है क्लोज ट्रेवर्स है ए बी सी डी देन मेजर एंगल एट बी, तो बी का इंटीरियर एंगल आपको पता है, तो इंटीरियर एंगल के लिए आपको ए बी रेखा की बैक बियरिंग भी चाहिए। ए बी रेखा की बैक बियरिंग कैसे निकालें, इस बियरिंग में यानी 60 डिग्री 30 मिनट में आप 180 डिग्री जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 140 डिग्री 30 मिनट आ जाएगी। तो ये क्या चीज़ दिखाएगा, ये चीज़ दिखाएगा, ये क्या है, ये है आपका 140 डिग्री 30 मिनट, क्या किया आपने 180 में 60 डिग्री 30 मिनट जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटरनल एंगल निकालना, तो आप क्या करिए 140 डिग्री 30 मिनट में से, इसमें से आप ये क्या करिए, बाहर वाला एंगल यानी जो बी सी रेखा का फोर बियरिंग है उसको घटा दीजिए, यानी 122 डिग्री को घटा दीजिए, घटा दे देते, जैसे ही आप घटाएंगे 180 जोड़ा, सॉरी ये 240 हो जाएगा, सॉरी ये 240 180 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, तो 240 में से 122 डिग्री आप घटा दीजिए, 40 डिग्री 30 मिनट माइनस 122 डिग्री, वैसे ही घटाएंगे आप तो आपको मिलेगा 7.5, ये होगा आपके पास 7.8 और प्लस 10 और 30, तो 18 डिग्री 30 मिनट, तो 118 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 118 डिग्री 30 मिनट, वो आपका 374 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सी। वैसे किया हमने लेकिन बता देता हूँ मैं, मिट गया बीच में, आपने क्या किया 60 डिग्री 30 मिनट में आपने 180 जोड़ा तो आपको मिला 240 डिग्री 30 मिनट, इसमें आपने क्या किया 122 डिग्री माइनस कर दिया, ऐसे ही माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 118 डिग्री 30 मिनट, ऐसे ही निकालना है, ये क्या है इंटरनल एंगल एट बी। अब पूछ रहा है ट्रू मेरिडियन डिफाइन क्या है, सही ट्रू मेरिडियन कैसे डिफाइन करता है, रेफरेंस लाइन विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मेकिंग हॉरिजॉन्टल एंगल द रेफरेंस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को अगर आप जोड़ें तो जो रेखा बनती है उसी को कहते हैं ट्रू मेरिडियन, या फिर जो रेखा दिशा दिखाती है उसको कहते हैं ट्रू मेरिडियन, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 375 का सी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, द फॉलोइंग बियरिंग वर टेकन रनिंग क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी ए, ठीक है, तो यानी कैसा ट्रेवर्स है, ये क्लोज ट्रेवर्स क्यों, क्योंकि ए से शुरू होकर ए पे ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, तो ये क्लोज ट्रेवर्स है, आपको देखने से पता चल जाएगा। फिर बोल रहा है कि इसमें जो आपको बियरिंग दी है फोर बियरिंग, हर रेखा का फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिया हुआ, वन वुड सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन एट स्टेशन, ठीक, तो हम कहाँ पर लोकल अट्रैक्शन पे वो कर सकते हैं, मान सकते हैं कि लोकल अट्रैक्शन, हम सब यही खोज लेते हैं कि कहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर देंगे, तो अगर ए बी रेखा का देखें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर, तो आपको मिलेगा 304 डिग्री 30 मिनट में से 124 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो आपको मिलेगा सीधा सीधा 180 डिग्री, ठीक, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ए और बी क्या लोकल अट्रैक्शन से फ्री। फिर अगर हम दूसरी लाइन देखें 68 डिग्री 15 मिनट 246, तो ये तो होगा नहीं, इसका एंगल 180 डिग्री नहीं होगा दोनों का, सी डी रेखा का भी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर 180 डिग्री नहीं होगा, डी ए का भी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग 180 डिग्री नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा लोकल अट्रैक्शन होना चाहिए, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला लोकल अट्रैक्शन नहीं है, कहाँ पर ए और बी पर नहीं है, ठीक, तो कहाँ पर बचा रह जाएगा,
सी पे बचा रह जाएगा और डी पे बचा रह जाएगा। ठीक, तो सी और डी पे क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, 376 का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 377 इन अ क्लोज ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग शुड बी 90 डिग्री। ये तो होता नहीं है, 180 डिग्री होता है, आपको पता है। सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज 2n-4 × 90 डिग्री, ये सही है आपका। सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी, ये तो एक्सक्लूडेड एंगल का सम होता है, ये बता दिया जाता है आपको। देखिए, अगर आपके पास कोई क्लोज ट्रेवर्स है, आपके पास क्लोज ट्रेवर्स कोई है, तो क्लोज ट्रेवर्स में इंक्लूडेड एंगल का जो सम होता है वो होता है 2n-4 × 90 डिग्री, और एक्सक्लूडेड एंगल का जो सम होता है वो होता है 2n+4 × 90 डिग्री। आपको क्या सही लगेगा, इसमें से बी सही होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल का सम 2n-4 × 90 डिग्री होता है। चलिए फिर अगला पूछ रहा है, एक होल सर्कल बेयरिंग ऑफ